माना जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे पर भी हथियारों की बड़ी डील हुई है और आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस के जंग की आग और भड़क सकती है और ऐसे में इस आग में घी डालने का काम किम जोंग उन के हथियार करेंगे। पुतिन ने कार गिफ्ट की तो किम का रिटर्न गिफ्ट भी आप देख रहे हैं। दोनों लीडर्स के बीच में याद होगी वो तस्वीर जी न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे पुतिन की तरफ से इशारा किया गया था, एक बॉन्ड साइन इन्होंने दिखाया था कि ये जो रिश्ता है, जो ये मुलाकात है वो आगे भी जारी रहेगी और मजबूत हुई है। और ये वो वीडियो है दो ताकतवर देशों के जो लीडर्स हैं वो एक साथ इस तरीके से नजर आए और पुतिन ड्राइव कर रहे हैं, को ड्राइविंग सीट पर किम जोंग बैठे हुए हैं और ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। किम जोंग के लिए ड्राइवर बने पुतिन। लगभग सवा दो साल पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई थी यूक्रेन और रूस की, तब किसी को नहीं लगा था कि यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिन टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन जो कि नेटो हथियारों के दम पर रूस का मुकाबला कर रहा है, अब रूस को भी हथियारों की जरूरत पड़ी और हथियारों की फैक्ट्री बन सकता है। नॉर्थ कोरिया लगातार हथियारों की सप्लाई तो कर ही रहा है। इस दौरे पर भी पूरी दुनिया की नजरें इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि माना यह जा रहा है कि चीन ने कहीं ना कहीं रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को बढ़ावा दिया है और आने वाले दिनों में ये तिकड़े मिलकर के नेटो और अमेरिका की नाक में दम कर सकती है। इस बीच तस्वीरें जो कि खूबसूरत भी कही जा सकती हैं, पुतिन ने भाई दोस्त को कार गिफ्ट की, रिटर्न गिफ्ट में पुंगसन ब्रीड के बहुत ही रेयर ब्रीड के कुत्ते मिले हैं, लेकिन ये याराना कहीं दुनिया पर भारी ना पड़े ये बड़ा सवाल है। जीन